दोस्तों, मैं आपका आयाज खान और आज हम लोग शूट कर रहे हैं अपनी फिल्म घूंघट में घोटाला 3। लंदन में हूँ और लंदन में आज हम जिस घर में शूट कर रहे हैं, जो आज हमारा लोकेशन है, लंदन में तो है लेकिन ये किसी लंदन वाले का नहीं, एक भारतीय नागरिक हैं, हमारे देश के रहने वाले हैं। ये उनका घर है जहाँ आज हम शूट कर रहे हैं। आप लोगों को दिखलाते हैं रिवर मैड। ये हमारे देश के रहने वाले हैं और बिहार से हैं, तो मैं आप लोगों को ले चलता हूँ घर के बाहर के एरिया से, फिर धीरे धीरे अंदर ले जाऊँगा। तो ये है, गाड़ियाँ लगी हुई हैं, इसके अंदर शूट चल रहा है, देख सकते हैं आप लोग। और हम लोग का जो है ड्रेस और सारा उधर रखा हुआ, देख सकते हैं आप लोग, ड्रेस डिपार्टमेंट उधर है। ये हम लोग के लाने ले जाने के लिए गाड़ियाँ लगी हुई हैं, देख सकते हैं आप लोग। और इस घर में हम लोग यहाँ पे शूट कर रहे हैं और अभी हम चलेंगे आपके ये लोकेशन पे। देखिए घर है और देख सकते हैं यहाँ पे एक जो है टॉयलेट तो हुआ ही है घर के अंदर, और घर के बाहर भी जो है टॉयलेट लगाया गया है कि बहुत सारे क्राउड भी आते हैं जो यहाँ पे, उनके लिए रखा गया है। और अभी मैं चलता हूँ घर के बैक साइड, घर के बैक साइड से दिखलाता हूँ आपको ये पूरा सीनरी जहाँ पे अभी हम लोग का शूट चल रहा है। देख सकते हैं आज हम लोग शूट कर रहे हैं यहाँ पे। ये घर के मैं आगे से पीछे आ गया, देख सकते हैं आज हम लोग यहीं पे शूट कर रहे हैं और ये क्लाइमेक्स शूट चल रहा है। और यहाँ से मैं आप लोगों को दिखलाऊंगा अभी घर का पूरा नज़ारा। ये देखिए घर, बाहर ये पार्क भी है, ये देखिए ये अपना छोटा सा जो है डॉगी भी है, वो भी इंजॉय कर रहा है। तो ये घर है और मैं घर के जो है अंदर जा रहा हूँ। ये अंदर 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 जहाँ पे हम लोग किस समय आपको इंडिया बहुत याद आता है, अपना देश बहुत याद आता है, किस समय? रोज रोज, वैसे हम 22 साल से रोज याद आता है, रोज याद आता है। अच्छा, सुबह शाम रात तुम देखते नहीं हो, हम हर कुछ इंडिया का अपने घर में वैसे ही करते हैं, वही खाना खाते हैं जो हम लोग अपने घर में खाते थे। बिल्कुल, हम भी सुबह दही चूड़ा खाते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। बैठे हैं, आप लोगों को बता दूं कि रवि भैया लंदन में ही रहते हैं और इस ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को इनके बारे में सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, मुझे भी होंगे और आप सभी के होंगे। तो भैया बिहार से हैं, अरेराज से। भैया आप बिहार अरेराज से हैं, तो ये लंदन कैसे आना हुआ? नौकरी के कारण। अच्छा, ये सब नौकरी के ही कारण होता है। मतलब आपसे ही आए, आपके मतलब फादर या ग्रैंडफादर? फादर हमारे आए थे इंग्लैंड, हमारे पैदाइशी वक्त हमारे फादर 1960 में इंग्लैंड आए थे। अच्छा जी। बट वो अपने नौकरी के कारण आए थे। ठीक। बट वो लौट गए, वो ट्रेनिंग लेके इंग्लैंड से लौट गए। हम जो आए वो अपने नौकरी के कारण आए, बट हम रह गए। अच्छा, रह गए। तो आपने मतलब शिक्षा दीक्षा जो पढ़ाई लिखाई बिहार से या कहाँ से, मतलब इंडिया में कहाँ से? जमशेदपुर से, हम पले बड़े जमशेदपुर के हैं। तो हम जमशेदपुर में अपनी स्कूलिंग किए, कॉलेज रांची से किए, सेंट जेवियर्स से, फिर इंजीनियरिंग किए NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वारंगल से। अच्छा जी। फिर MBA किए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM बैंगलोर से, और फिर 30 साल से नौकरी कर रहे हैं। तो आपको मतलब पढ़ाई लिखाई आपने इंडिया से किया, तो ये लंदन आने का दिमाग में कहाँ से आया? मतलब कि आपके फादर ग्रैंडफादर आए थे वहां से, या किसी ने मोटिवेट किया कि लंदन ही जाओ, वहाँ ही अच्छा नौकरी मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं, हम तो बहुत अच्छी नौकरी इंडिया में करते थे, हम टाटाज में थे जी, टाटा के MD ऑफिस में नौकरी करते थे, बहुत इज्जत से थे जी। हमारी नौकरी ही ट्रांसफर हो गई, पहले हम ऑस्ट्रेलिया गए एक्चुअली। ओह, 6-7 साल हम सिडनी में थे, हमारी बेटी सिडनी में पैदा हुई। अच्छा, उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया से यहाँ ट्रांसफर हो गए, तो इंग्लैंड चले आए। अच्छा सर, तो भैया आप जो है 30 साल से यहाँ पे हैं, इंग्लैंड में 22 साल से हैं, ऑस्ट्रेलिया में 7 साल थे, ये 30वां साल है हमारा। हाँ, विदेश में 30वां साल है। तो आपको यहाँ रहना और इंडिया में रहना, तो दोनों का क्या फर्क दिखता है, दोनों का रहन सहन में? तो एकदम अलग दुनिया है। हमको वैसे सच पूछे तो हमारा दिल हरदम इंडिया में हमको ज्यादा अच्छा लगता है, हमारा अपना घर है, हमारा वतन है, हमारे अपने लोग वहाँ रहते हैं, यहाँ हमारा कर्म क्षेत्र है, नौकरी के लिए हम यहाँ रहते हैं, यहाँ की जिंदगी भी बहुत सुकून की है। बट अंतर दोनों में फंडामेंटली दो एकदम अलग कल्चर, दो अलग पद्धति है जिंदगी में। हमारे यहाँ पे इंडिया में लोग अलग तरह से बिहेव करते हैं,
बहुत मिलनसार लोग वहाँ पे होते हैं, वहाँ का कल्चर अलग होता है, यहाँ पे इनका कल्चर ही बहुत अलग है हमसे, ये थोड़ा सा अपने को सीमित करके रखते हैं, हम लोग थोड़ा सा सीमित हैं, असीमित, हम लोग का प्यार असीमित है, प्यार असीमित है, इनका सब कुछ थोड़ा नफा तुला, नफा तुला माप के रखे हुए हैं, कितना कितना क्या होना चाहिए, जी जी जी, तो बस जैसे जिंदगी हमारी, आयस भाई जैसे हम लोग भी मोतिहारी से आदमी बाहर निकला जमशेदपुर, जमशेदपुर से बाहर निकला विदेश, सब अलग कर्म क्षेत्र है, आदमी नौकरी करते हुए चला गया यहाँ से वहां। तो ये जो है घर है आपका माशाल्लाह बहुत बढ़िया है, जैसा कि आप लोगों को भी घर दिखलाया मैं कि घर बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। तो ये घर आपने कब लिया, मतलब ये हमने लिया नहीं, आते नहीं लिया, आते हमारी अलग दूसरी घर थी। अच्छा, जैसे आदमी करता है ना, जैसे कमाई बढ़ती है, परिवार बढ़ता है, शौक बढ़ते हैं, कमाई बढ़ती तो शौक बढ़ते हैं, ये लाइन है, सही सही बात है, और परिवार भी बड़ा होता है, बच्चे बड़े बड़े होते हैं, उनको भी थोड़ा सा आपको जगह कमरा देना होता है, बिल्कुल बिल्कुल, फिर माँ बाप माता पिता आपके साथ रहना शुरू करते हैं, उनको जगह थोड़ी थोड़ी होती है, तो इसे करते करते आदमी ये घर ले लिया, ये घर हमको लिए हुए करीब 12-13 साल हो गए, 12-13 साल हो गए जी। तो जिस तरह से घर आपने सजाया गया, तो क्या यहाँ पे घर ऐसे ही सजे सजावट मिलते हैं या लोग बनाते हैं, इंटीरियर से इंटीरियर आपने किया, किचन उचन, अभी मैं दिखलाऊंगा आप लोगों को घर का पूरा अंदर का, तो क्या ये सब ऐसे ही रहता है या अपने हिसाब से बनवाते हैं? नहीं, हिसाब से बनवाना पड़ता है, यहाँ पे ठीक इंडिया की तरह आपको बेयर शेल घर मिलता है, सीमेंट का फ्लोर मिलेगा और पूरी सीमेंट की दीवारें मिलेगी, उसके बाद आपको जो करवाना है अपने तरीके से डिजाइन करवाना है, कैसे अच्छा अच्छा एब्सोल्युटली ठीक जैसा इंडिया में होता है वैसे ही यहाँ होता है। अच्छा, बहुत सारे जैसे लोग भैया सोचते हैं कि जो है वो पढ़ाई करके यार लंदन जाना है ना, लंदन जाना है, जो विदेश में आने का उनकी जो ख्वाहिशें रहती है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अपना जो देश में भी बहुत सारे से लोग पढ़ाई करते हैं, आप पढ़ाई की आप जॉब करने लंदन चले हैं, तो आपके हिसाब से ये क्या बेहतर क्या है, अपने देश में रह के जॉब करना या बाहर आके जॉब करना? क्योंकि आप यहाँ वहाँ भी जॉब किए हैं, यहाँ भी जॉब कर रहे हैं। देखो, ये इकोनॉमिक साइकिल का खेला होता है। हम 1900 जब हम बाहर निकले, 1990s में हम बाहर निकले, तब इंडिया की कमाई में और विदेशी कमाई में बहुत अंतर था यास भाई, बहुत अंतर, रुपया वीक था, डॉलर पावरफुल होता था, बाहर की कमाई में बहुत बचत था, बहुत बचत था, खर्च भी थोड़ा यहाँ पे सस्ता रहता है, खाना पीना, तो पैसे ऑब्वियसली बाहर बहुत ज्यादा बनते थे। पर देखो कैसे ईश्वर की लीला है कि यही 25-30 साल में हमारे आंख के सामने देखते देखते अब इंडिया में भी वैसे ही कमाईयां होती हैं, इंडिया ज्यादा सस्ता लगता है विदेश से, विदेश महंगा होते चला गया है, कमाईयां यहाँ पे रुक सी गई हैं, थम सी गई हैं, तो सेविंग्स यहाँ थम गया है, और अब इंडिया में लोग कितना अच्छा कर रहे हैं, तो ये सब ना इकोनॉमिक साइकिल होता है, साइकिल बिल्कुल। बट हमारे पर्सनली हमारे बारे में यास भाई, हम पहले भी लंदन या ऑस्ट्रेलिया बाहर नहीं निकले थे, हम नौकरी कर रहे थे, हमारी ट्रांसफर हो गई, वो ट्रांसफर मद्रास भी हो सकती थी, बॉम्बे भी हो सकती थी, बस हमारी ट्रांसफर सिडनी हो गई, तो हम सिडनी ऑस्ट्रेलिया चले गए, क्योंकि हम खोजने नहीं निकले थे कि हमको विदेश ही जाना है। हम आज भी वही कहेंगे अपने छोटे भाई बहनों को कि तुम लोग विदेश सोच के तुम प्लीज अपना जान मत धुनो, नौकरी अच्छी करो, नौकरी अच्छी करो, अगर नौकरी ले जाता है तुम्हारा भाग्य है, तुमको बाहर ही जाना है, तो तुम्हारी नौकरियां तुमको बाहर ले जाएंगी, वैसे जाओ। ये कि हमको बाहर जाना है, कैसे भी हम बाहर जाएंगे, इसमें ना केवल तुम अपने को डिसअपॉइंट करते हो, क्योंकि बाहर आके कोई जिंदगी ऐसा है नहीं कि ये कोई जन्नत है, और यहाँ की कोई हूर का तुम्हारे हाथ में एक डंडा है कि तुम ऐसे हिलाए और खरबों रुपए चले आए, ये सब झूठी बातें हैं। यहाँ भी उतना ही रगड़ना पड़ता है, उतना ही बचाना पड़ता है, तो जाके पैसा होता है, आजकल की बात कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वही तो इंडिया में भी, वहां भी रगड़ो, अपने देश में रगड़ो, अपने देश की उन्नति कराओ, अपना जिंदगी। एक सवाल और मेरा दिमाग है कि आप लंदन में है आज 30 साल से, और ये हम चलते हैं घर के अंदर, इधर से भी रास्ता है, पैसे बहुत हो गए। ये हॉल जो मैं बाहर का दिखला रहा था आप लोगों को, बाहर का इधर डाइनिंग और इधर शूट चल रहा था, देख सकते हैं और ये बहुत बड़ा सा हॉल है, और ये मैं चलता हूँ उधर किचन की तरफ,
ये रहा किचन, देख सकते हैं आप लोग, किचन भी बहुत प्यारा सजाया है, बहुत प्यारा अच्छा बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ, देख सकते हैं एकदम मॉडिफाइड ये किचन है। हम आज तक कभी वो सैंडविच वाला और पास्ता वाला आदमी हो नहीं पाए नहीं और पिज्जा वाला, क्या बात है, क्या हमको आज भी चावल दाल आलू का भुजिया चावल दाल चोखा से अच्छा दुनिया में कुछ नहीं लगता है। अरे भैया, होली वोली का त्योहार होता होगा, यहाँ पे रहते होंगे तो बड़ा मिस होता है। अरे जरूर मनाते हैं, यहाँ आस पड़ोस जरूर, अंग्रेज वो सब भी आता है, अंग्रेज सब भी आता है, हमारे अपने भाई बहन बहुत यहाँ इंडियन लोग हैं, अच्छा थोड़े से आस पास एकदम बगल में नहीं है, थोड़े दूर दूर रहते हैं बट सब आते हैं। तो यहाँ पे से भी अपने यहाँ तो बाहर लेके कलर फेंकने लगते हैं, वही गुलाल से होता है यहाँ, वही मैं देख रहा हूँ, यहाँ हुड़दंग नहीं होता है बट गुलाल खूब किलो का किलो गुलाल यूज होता है, पुआ बनता है, आलू दम बनता है, कटहल की सब्जी बनती है, छोला बनता है, पुलाव बनता है, मटन बनता है, तुम बोलो सब दही वाला जैसा घर बनता है। पानी वाला कलर नहीं, पानी वाला कलर नहीं, हुड़दंग ज्यादा नहीं होता, हुड़दंग नहीं, ठंडा होता है ना ये, अच्छा निमोनिया हो जाए ठंडा, हाँ ठंडा भी। और पता चला कि आप जिस तरह से लोग अपने घरों को साफ सुथरा रखते हैं तो वो भी मैनेज नहीं हो पाया 100%। कितनी अच्छी बात कर रहे हो, एकदम सही, बिल्कुल 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 सही। तो थैंक यू सो मच भैया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और भैया के हम लोग, मैं तो मुझे लगता है कि आप लंदन तो दूसरी बार आया, लेकिन शूटिंग करने कम से कम मैं 10 बार भैया के घर आ चुका हूँ। और बिल्कुल इस घर में आओ तो अपनापन सा लगता है, भैया इतना इज्जत प्यार देते हैं कि लगता नहीं कि हम लोग जो है लंदन में शूट कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच भैया, बस आपका प्यार आशीर्वाद दुआएं मिलते रहे, सब बने रहे। और भैया लंदन में ही रह के भी आज भी जो है भारत हर पल हर सेकेंड इनके दिल और दिमाग में याद रहती है। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच, जय हिंद।